लो स्पर्म काउंट पुरुषों में स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम होना इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, या इसे हम लीडिंग कॉज भी कह सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी का, चाहे वो किसी भी कारण से हो। अगर हम लो स्पर्म काउंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। एंड थैंकफुली होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज की इस वीडियो में एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे जो लो स्पर्म काउंट के केसेस में स्पर्म काउंट के प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं एंड दस हेल्प्स टू ट्रीट एंड क्योर मेल इनफर्टिलिटी। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस समस्या से तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में लो स्पर्म काउंट के लिए एंड मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस इस मेडिसिन के साथ बहुत अच्छा है, वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ आगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एज आई ऑलवेज मैंशन इन माई वीडियो दैट होम्योपैथिक मेडिसिन नेवर फेल्स टू ट्रीट द केसेज ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोजोस्पर्मिया एंड मेल इनफर्टिलिटी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ठीक हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और वो बिल्कुल खुश हैं सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। आज की इस वीडियो में लो स्पर्म काउंट को ठीक करने के लिए या एब्सेंस ऑफ स्पर्म को ठीक करने के लिए एंड मेल इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है रेडियम ब्रोमाइड। रेडियम ब्रोमाइड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट करने के लिए और स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके और भी बहुत सारे स्फीयर्स ऑफ एक्शन हैं बट इन द केसेस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया मैंने इसे यूज़ किया है अपने पेशेंट्स में। जब भी सिम्टम्स इंडिकेटेड होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी इंडिकेशंस हम जानेंगे, वो इंडिकेशंस, वो सिम्टम्स, वो लक्षण अगर आप में हैं तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक रिपर्ट्री बाय रॉबिन मर्फी, जो रिपर्ट्री हम पढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, उसमें ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के सेक्शन में जो ये मेडिसिन है रेडियम ब्रोमाइड ये मेंशनड है। इसके मेन इंडिकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है या यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला है कि स्पर्म प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, या ओलिगो का केस है या एजोस्पर्मिया का भी केस है अगर, तो उसमें ये जैसे मैंने बताया स्पर्म प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बहुत लंबे समय से एजोस्पर्मिया का केस है, एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, बहुत सारा मेडिकेशन आप ले चुके हैं, हार्मोन थेरेपी आप लेते हैं, देन सडनली आपका जो स्पर्म काउंट है वो बूस्ट हो जाता है टेम्पोरेरली और फिर उसके बाद वो वापस ज़ीरो हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, इनसफिशियंट है फॉर प्रेगनेंसी। तो ऐसी कंडीशन में ये स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करके मेल इनफर्टिलिटी को क्योर करने में हेल्प करती है। सो यही दो मेन इंडिकेशंस हैं जिसके लिए रेडियम ब्रोमाइड हम यूज करते हैं। मेडिसिन की पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, यहाँ वापस ऐड कर रही हूँ। सो रेडियम ब्रोमाइड जो मेडिसिन है इसे मैं 30 पोटेंसी में बहुत कम यूज़ करती हूँ एंड यूजुअली 200 पोटेंसी में ही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिपीटेड डोजेज में नहीं, सिर्फ वंस इन अ डे। तो अगर आप मेल इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और जो लीडिंग कॉज है वो है आपका स्पर्म का इशू, तो रेडियम ब्रोमाइड आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको 200 पोटेंसी में परचेस करना है, इधर डाइल्यूशन या फिर आप ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट भी करवा सकते हैं, जैसे इस तरीके से वाइट जो ग्लोब्यूल्स आते हैं ये किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे आपको डिस्पेंस करके दे दी जाएगी। तो अगर आपने ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट कराया है तो दो गोली आपको दिन में एक बार लेना है, सुबह सुबह आप ले लीजिए। अगर आप डाइल्यूशन लेकर आए हैं तो डायरेक्टली 2 ड्रॉप्स ऑन टंग रेडियम ब्रोमाइड 200 वंस इन अ डे आपने लेनी है फॉर 1 मंथ और फॉर 2 मंथ्स, और फिर उसके बाद आप अपना स्पर्मोग्राम रिपीट कराइए,
प्रोग्रेस चेक कर लिए और अकॉर्डिंगली आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। रेडियम ब्रोमाइड के साथ साथ अगर आपको स्पर्म का प्रॉब्लम है तो आप अश्वगंधा मदर टिंचर, जिनसिंग मदर टिंचर, डेमियाना मदर टिंचर एंड ट्रिब्यूलस मदर टिंचर, अगर मोटिलिटी का इशू भी है तो ये चार मेडिसिंस का कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करिएगा। ये मैजिक की तरह काम करता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, स्टैमिना बूस्टर है, इनफर्टिलिटी को क्योर करता है। इसको आपको इक्वल रेशियो में मिक्स करना है एंड 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस इन अ डे यूज़ करना है। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आई बटन पर दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा और ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं अपने इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए। अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और बिल्कुल परेशान हो गए हैं एंड थक गए हैं तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। दिस प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। मेरे पेशेंट्स क्योर हुए हैं तो आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए हमसे ई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं कॉमेंट में पिन कर दूँगी, उस पर आपको कॉल नहीं करना है, पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेमेंट रिसिप्ट शेयर करना है, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू अ टाइम स्लॉट जिसमें हम कॉल पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रोसेस के थ्रू जाइएगा, कॉपरेट करिएगा एंड हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल।